पाकिस्तान में भी शुभमन गिल की हो रही जय जयकार। पूर्व कप्तान हुए नतमस्तक, कह दिए बड़ी बात। शुभमन के दोहरे शतक के बाद हर कोई हुआ उनका दीवाना। न्यूजीलैंड से लेकर पाकिस्तान तक हो रही उनकी तारीफ। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि शुभमन गिल की कैसे और क्यों हो रही है तारीफ। दरअसल भारत के विस्फोटक बल्लेबाज और ओपनर शुभमन गिल ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा। इस दोहरे शतक के साथ उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस दोहरे शतक में उन्होंने कई ऐसे शॉट्स खेले जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दुनिया के कई पूर्व क्रिकेटरों ने कहा है कि शुभमन गिल एक नायाब सितारा है और वे विश्व क्रिकेट में चमकेंगे। इसी क्रम में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने भी गिल की जमकर तारीफ की है। सलमान बट ने गिल की तुलना रोजर फेडरर से कर दी है। सलमान बट ने कहा कि जिस तरह से शुभमन गिल खेलते हैं, उनका ये अनोखा अंदाज बिल्कुल रोजर फेडरर की याद दिलाता है। बट ने यह भी कहा, मैं गिल का उस दिन से फैन हूं जब से उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेला था। आपको उनके जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। बट ने कहा, इन दिनों हर कोई सिर्फ पावर हिटर्स की बात करता है, लेकिन अगर आप गिल का क्रिकेट देखें तो वो कितनी खूबसूरती से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हैं। वे एक अलग तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वे बिल्कुल रोजर फेडरर की तरह हैं। सलमान बट ने आगे कहा, शुभमन ने छोटी उम्र में ही अपने खेल में चालाकी दिखाई है, उनमें महान बनने की झलक दिखाई देती है। अन्य सभी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भी गिल ने एक छोर से पारी संभाली। उन्होंने चुनिंदा गेंदबाजों को टारगेट किया। इससे पता चलता है कि गिल अपने खेल को पूरी तरह से मजबूत कर लिए हैं। सलमान बट की इस तारीफ को भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत ही प्यार दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस ने सलमान बट को इसके लिए काफी सारी बधाइयां भी भेजी हैं। उनका मानना है कि भारत के सबसे बेहतर खिलाड़ी के लिए सलमान बट ने बहुत ही बड़ी बात कह दी है। बता दें कि शुभमन गिल इस समय शानदार फॉर्म में हैं और लगातार नए नए रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे अधिक 186 रन मारे थे, लेकिन दोहरा शतक मारकर गिल ने उनको पीछे छोड़ दिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने का अपना स्कोर भी बना दिया। यही वजह है कि विश्व क्रिकेट अब मान रहा है कि गिल भारतीय टीम के सबसे अनोखे और दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। अब तो पाकिस्तान से भी तारीफ होने लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गिल आने वाले मैचों में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और क्या वह सचिन और विराट की जो एक महान लिगेसी है उसमें अपना नाम दर्ज करा पाते हैं या नहीं।